किसी हाई प्रोफाइल मर्डर में अगर आरोपी पुलिस की कस्टडी में मार दिया जाए तो इसका एक ही मतलब होता है कि या तो आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं थे या फिर पुलिस ने फर्जी केस बनाया था। अमेरिका में ऐसा ही हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति की दिन दहाड़े हत्या हुई। हत्यारा एक घंटे के भीतर पकड़ा गया और 48 घंटे के अंदर पुलिस की कस्टडी में उसकी भी हत्या हो गई। 5 साल बाद राष्ट्रपति के छोटे भाई की भी हत्या हो गई और इस बार भी सवाल यही था कि हत्या का मास्टरमाइंड कौन था। 60 साल से अमेरिका को परेशान कर रहे उसी सवाल पर देखिए हमारा ये एपिसोड कैनेडी फाइल्स श्राउडेड इन मिस्ट्री। नवंबर 1963, डालास, टेक्सास, अमेरिका। समय दिन के 11:40। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अपनी पत्नी जैकलिन कैनेडी के साथ डालास लव फील्ड एयरपोर्ट से डालास मार्केट सेंटर के लिए रवाना हुए। माना जा रहा था कि राष्ट्रपति कैनेडी अगले चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान यहीं से शुरू करने वाले हैं, लिहाजा उनके लिए एक खुली लिमोजीन कार तैयार थी ताकि आम लोग राष्ट्रपति कैनेडी को ठीक से देख सकें। दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति कैनेडी की कार डालास के डीली प्लाजा पहुंची। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही कार की पिछली सीट पर बैठे राष्ट्रपति कैनेडी लुढ़क गए। उनके सिर के पिछले हिस्से में गोली लगी थी। अगले आधे घंटे बाद पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि राष्ट्रपति कैनेडी का निधन हो चुका है। दिन दहाड़े अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या, ये खबर पूरी दुनिया को दहलाने के लिए काफी थी। अमेरिका की पुलिस और जांच एजेंसियों को शक था कि राष्ट्रपति पर गोली एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से चलाई गई। इमारत की तलाशी लेने पर 3 खाली कारतूस मिले और एक सुराग, जिसके आधार पर संदिग्ध हमलावर को 45 मिनट के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या के आरोप में पकड़े गए आदमी का नाम था ली हार्वे ओसवाल्ड। अमेरिकी नौसेना की नौकरी के बाद ओसवाल्ड कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा था और कुछ समय वो सोवियत संघ में बिता चुका था, इसलिए मान लिया गया कि ली हार्वे ओसवाल्ड ही कैनेडी का हत्यारा है। डालास पुलिस और एफबीआई के एजेंट्स ओसवाल्ड से उसका जुर्म कबूल करवाने में जुटे, लेकिन वो राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या से इनकार करता रहा। इसे एक अपराधी की चाल समझा गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। 24 नवंबर 1963, डालास पुलिस मुख्यालय। समय दिन में 11:21। राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या के आरोपी ओसवाल्ड को पुलिस वाले सिटी जेल ले जाने के लिए निकले। मीडिया की भीड़ थी, तभी एक आदमी ओसवाल्ड की तरफ बढ़ा और उसने बिल्कुल नजदीक से ओसवाल्ड के पेट में गोली मार दी। एक पुलिस अफसर ने गोली मारने वाले को पहचाना। उसका नाम जैक रूबी था, जो डालास के एक नाइट क्लब का मालिक था। ओसवाल्ड के पकड़े जाने पर राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या का जो केस सुलझा हुआ मान लिया गया था, वो हत्या के आरोपी ओसवाल्ड के मारे जाने के बाद उलझता चला गया। अमेरिकी मीडिया और आम लोगों का मानना था कि राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। चर्चा ये भी थी कि राष्ट्रपति कैनेडी पर एक से ज्यादा लोगों ने गोली चलाई, जबकि जांच एजेंसियों का दावा था कि गोली सिर्फ ओसवाल्ड ने चलाई और राष्ट्रपति को सिर्फ एक गोली लगी थी। साल 1969 में न्यू ऑर्लियंस की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जिम गैरिसन ने दावा किया कि राष्ट्रपति कैनेडी को एक नहीं बल्कि 2 गोलियां लगी थी, एक सिर के पीछे और दूसरी सामने से। उनके सिर में सामने से जो गोली लगी वो घास वाले टीले से चलाई गई थी और उसी गोली से राष्ट्रपति कैनेडी की मौत हुई। इस खुलासे के बाद तो राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या की जांच पर सवाल उठाने का सिलसिला चल निकला। साल 1979 में अमेरिकी संसद की जांच कमेटी ने मान लिया कि कैनेडी हत्याकांड की जांच में एफबीआई से काफी चूक हुई है। ये भी मान लिया गया कि राष्ट्रपति कैनेडी पर 2 हत्यारों ने 4 गोलियां चलाई थी,
लेकिन अमेरिकी संसद की कमेटी भी लोगों को ये नहीं समझा पाई कि कैनेडी की हत्या के पीछे साजिश किसकी थी और मकसद क्या था। इसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा रहस्य माना गया और 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि कैनेडी की हत्या के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, जिस पर अमेरिका की जांच एजेंसियां ही पर्दा डालने में जुटी थी। 5 जून 1968, एम्बेसडर होटल, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, अमेरिका। समय आधी रात 12:15 बजे। अमेरिका में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या का रहस्य अभी अनसुलझा ही था कि 5 साल बाद एक और वारदात हुई। जॉन एफ कैनेडी के छोटे भाई रॉबर्ट कैनेडी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बनने की रेस में थे। उसी सिलसिले में वो लॉस एंजलिस पहुंचे थे। होटल के बॉल रूम में भाषण खत्म करने के बाद रॉबर्ट कैनेडी अपने समर्थकों और मीडिया के लोगों की ओर बढ़े। तभी एक युवक ने पॉइंट ब्लैंक से उनका गोली मार दी। लोगों ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में 5 और लोग घायल हो गए। बड़ी मुश्किल से हमलावर पकड़ा गया, जिसकी पहचान 25 साल के फिलिस्तीनी नागरिक सिरहान सिरहान के रूप में हुई। लॉस एंजलिस पुलिस और FBI की जांच का नतीजा यही निकला कि सिरहान ने रॉबर्ट कैनेडी की हत्या इसलिए की क्योंकि वो इसराइल को समर्थन देने वाले अमेरिका से नफरत करता है। लेकिन जॉन एफ कैनेडी की तरह उनके भाई की हत्या की जांच भी सवालों में घिर गई। सबसे बड़ा सवाल यही था कि फिलिस्तीन से आए सिरहान को अमेरिका में हथियार कैसे मिल गया। साल 2006 में अमेरिका के एक फिल्म मेकर शेन ओस्लुविन ने दावा किया कि रॉबर्ट कैनेडी की हत्या के समय होटल में CIA के कम से कम 3 अधिकारी मौजूद थे। एक थ्योरी ये भी पेश की गई कि रॉबर्ट कैनेडी पर गोली चलाने वाला सिरहान अकेला नहीं था। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने ऐसी किसी थ्योरी को नहीं माना। सिरहान पर रॉबर्ट कैनेडी की हत्या का दोष साबित हुआ। उसे मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया।